हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है और संडे स्पेशल है तो होगा ही, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो पे नेक्स्ट संडे से पहले 100 लाइक होंगे तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, अगर ये चैनल आपके काम का लगे तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलियन फोर्स के वो मोमेंट या इंसिडेंट जो बेन के पास से रिलेट करता हो और खुद इसे किसी कैरेक्टर ने कंफर्म किया हो, ऐसे ही हम कोई थ्योरी नहीं देंगे। बेन? नंबर 3 पे है जब बेन की टीम डीएन एलियन से फाइट कर रहे होते हैं जंगल किनारे, जहां बेन स्पाइडर मंकी बन के फाइट कर रहा था, तभी एक एलियन जो स्पाइडर मंकी की स्पीसीज का ही होता है बेन की टीम की मदद करने आता है। यहाँ ग्वेन कहती है, कहीं ये फिर वो जुड़वा भाइयों की दास्तान तो नहीं। यहाँ ग्वेन रिलेट कराती है इस एपिसोड से जहाँ एल्बिडो बेन का रूप में आता है और जिसके पास बेन जैसे ही ऑमनिटिक्स होती है और वो बेन के सभी एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो पाता था। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये मोमेंट केवल उस मोमेंट को रिलेट करता है, रियलिटी कुछ और ही है। तो इस एपिसोड में वो दूसरा स्पाइडर मंकी हाइब्रिड के भेजा हुआ एक प्यादा था जो अपने मकसद के लिए आया था। तुम लोगों को हमारी मदद करनी ही होगी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज। नहीं, पर आपका ये डायमेंशन खतरे में है। क्यों ना बाकी। नंबर 2 है जब बेन अपने प्लमर दोस्तों की मदद के लिए नल वॉइड आता है। अब इस एपिसोड में 2-3 रिलेटेबल मोमेंट है। पहला डॉक्टर एनिमो का दिखना जो यहाँ पे डिवॉइड के नाम से राज कर रहा था। दूसरा बेन का ये कहना कि जब मैं लास्ट टाइम नल वॉइड गया था तो इतनी तामझाम नहीं की थी। पर इन सब मोमेंट से ज्यादा रिलेटेबल और टचेबल मोमेंट मुझे ग्रैंडपा मैक्स का मिलना था, जो नल वॉइड में रेंज के नाम से रह रहे थे और डिवॉइड के खिलाफ अपनी टीम बना रहे थे। यहाँ बेन कहता है, घर चलिए ग्रैंडपा, मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहता। यहाँ बेन रिलेट करवाता है इस एपिसोड से जहाँ ग्रैंडपा मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर के फोकल लेंस को निकाल देते हैं और एक ब्लास्ट करते हैं जिससे कि वो हाइब्रिड की एग मशीन, जेनोसाइट्स सब खत्म हो जाते हैं। पर उस धमाके से ग्रैंडपा को एक खड़ोज तक नहीं आती और वो यहाँ इस नल वॉइड में आ जाते हैं। नंबर 1, नेक्रोफ्रीजियन के बच्चे। इस एपिसोड में क्या होता है कि बेन अजीब अजीब हरकतें करता है, या यूं कहूं कि उसे करवाता है उसका एक एलियन बिग चिल, जो ऑटो सिलेक्ट हो जाता है ऑमनिट्रिक्स से और जाके लोहा खाता है, लावा पीता है और उन सब से एक ऊंचा टीला बनाता है। बेन जूली को सारी बात बताता है और उससे नोटिस करने को कहता है कि जरा देखो तुम मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जूली बताती है बेन को कि तुम देखो कैसे कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, तो बेन कहता है पता नहीं ये मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है। जूली पूछती है, फिर से मतलब? बेन कहता है 5 साल पहले एक बार ऐसे ही मेरा एक एलियन बेकाबू हो गया था। और यहाँ बेन रिलेट करवाता है क्लासिक के इस एपिसोड से जहाँ घोष फ्रिक बेन के एक एलियन बेन को कुछ अजीब अजीब सपने दिखाता है और परेशान करता है, एट द एंड ऑमनिट्रिक्स से निकल के एक फ्री एलियन बन जाता है। लेकिन इस एपिसोड का वो रिलेटेबल मोमेंट था, यहाँ कुछ और ही होता है। यहाँ दरअसल बेन का एलियन बिग चिल की जो स्पीसीज है नेक्रोफ्रीजियन, 80 सालों में एक बार अंडा देती है, जिस वजह से बेन ऐसा बिहेव कर रहा था। और एंड में उसके बच्चे होते हैं और वो स्पेस में चले जाते हैं और बेन फिर ठीक हो जाता है। तो बेंटेन एलियन फोर्स के ये कुछ रिलेटेबल मोमेंट्स हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना भी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।